नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टुडे। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में बसपा प्रत्याशी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का आयोजन किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन रैन द्वारा नूपुर विधानसभा से जियाउद्दीन अंसारी को प्रत्याशी घोषित किया गया। उनके प्रत्याशी घोषित होने से उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं 2022 के चुनाव को लेकर विभिन्न मुद्दों पर बात करते हुए उपस्थित जियाउद्दीन अंसारी, पूर्व विधायक रुचि बीरा, पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी, शहनावाज खलील और नगर नूरपुर नगर के अध्यक्ष असरा अल हक संख्या में जिले के भर के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। नूरपुर से तन्वी गाड़े की एक खास रिपोर्ट। गौतम बुद्ध नगर से बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़े हैं और इन्होंने सतवीर नागर जी का नाम है। ये 5,94,000 लोग वोट लेकर सेकंड नंबर पर और यहाँ प्रभारी जियाउद्दीन भाई जियाउद्दीन जी अंसारी को बनाया है। इस बार आप देखना पूरे जनपद में नहीं, पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पांचवी बार बहन कुमारी मैथिली मुख्यमंत्री बनने जा रही है। आज आप धन्यवाद। हाँ जी, आज जो ये आपको प्रत्याशी घोषित करा है, इसके आप पी जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और डूंगरपुर विधानसभा की आवाम का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह से ये लोग आए हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं तो सर्व समाज की सेवा 2010 से कर रहा हूँ। अगर मैं विधायक बना, मैं सर्व समाज की सेवा करूँगा और बहन जी के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। इसके साथ